सीरीज चल रही है अपनी। आज अपना टॉपिक है, जैसे इकोनॉमिक्स के आप मैंने दो ब्रांच करे थे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसी तरह इकोनॉमिक्स की दो और ब्रांच आ जाती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम बोलेंगे सकारात्मक अर्थशास्त्र और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम बोलेंगे मानक नियामक अर्थशास्त्र, ठीक है। ये भी आप ऐसे लगा लो माइक्रो और मैक्रो की तरह इकोनॉमिक्स की ही ब्रांचेस है, ठीक है। जानते हैं इनके बारे में, सकारात्मक अर्थशास्त्र और मानक या फिर नियामक अर्थशास्त्र, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सकारात्मक अर्थशास्त्र, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्वड, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो क्या है, एक्चुअली जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, हमने चुनाव कैसे करना है अनलिमिटेड रिसोर्सेज में से, ठीक है। तो वो एक्चुअली हमें क्या बताता है, असली डाटा देता है, असली चीज़ बताता है हमें, ना कि हमारे साथ कोई ओपिनियन रखता है, मतलब फैक्ट रखता है वो हमारे साथ, ठीक है। वास्तविक विवरण देता है, इट एम्स टू मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये क्या है आर्थिक गतिविधि का क्या है वास्तविक विवरण देता है। इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, और ये क्या है सत्यापित किया जा सकता है वास्तविक डाटा से, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, प्राइसेज इन एन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ठीक है। ये चीज़ है, अब इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्राइसेज हैं वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कीमतें बढ़ती जा रही है। ये क्या है, एक फैक्ट है ना, ठीक है। इसको हम चेक कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से, हम कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि ये चीज़ सच है या नहीं है, ठीक है। तो आप ये लगा लो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताते हैं कि ये बिल्कुल चीज़ सच है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, आप बोल रहे हो कि आपके पास 1,000 रुपये हैं, ठीक है। आपने अपना पर्स खोला, उसके अंदर 1,000 रुपये निकले, वो क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि वो सच है, वो फैक्ट है, झूठ नहीं है, ठीक है। आप उसको जब आपने उसको वेरीफाई करने गए, जब आप उसको चेक करने गए, तो आपने उसमें से देखा कि आपके 1,000 रुपये हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसको वेरीफाई कर सकते हो एक्चुअल डाटा से, या एक्चुअल वेरीफिकेशन प्रोसेस करके, या प्रूफ हो सकता है उस चीज़ का, ठीक है। ये होती है क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सकारात्मक अर्थशास्त्र, जो हमारे साथ क्या है और कैसे है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सीधी सीधी डायरेक्ट चीज रखते हैं कि क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और कैसे है, कैसे सॉल्व होगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। ये वास्तविक चीज़ें रखती हैं अब हमारे सामने, एक्चुअल चीज़ें रखती हैं हमारे सामने, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, देयर आर इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, ये बात भी सच है कि हमारे इकोनॉमी में, हाँ हमारी अर्थव्यवस्था में आई कि क्या है असमानताएँ हैं ना, ठीक है। इसको भी हम चेक कर सकते हैं वास्तविक डाटे से, हम जाके इसको क्या कर सकते हैं, इसको सत्यापित कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट था अपना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है अपनी, मानक अर्थशास्त्र। पॉजिटिव अर्थशास्त्र हमें क्या है, एक्चुअल डाटा बताता है, और जो नॉर्मेटिव अर्थशास्त्र है, मानक अर्थशास्त्र है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें सिर्फ अपना ओपिनियन देता है, सिर्फ अपने क्या बताता है, अपने विचार रखता है कि ऐसा होना चाहिए। पॉजिटिव में क्या था कि ऐसा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या था भी ऐसा है और ऐसे ऐसा होना चाहिए, चाहिए वर्ड आ जाता है इसमें, चाहिए ऐसा होना चाहिए, उसमें वैसा है, ठीक है। इट डील्स विद व्हाट ओट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, ये क्या करता है कि क्या होना चाहिए और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज़, इसका मेन एम क्या होता है कि ये क्या करता है, आइडिया को डिटरमाइन करता है, आइडियाज़ को लेकर आता है हमारे सामने, ना कि एक्चुअल चीज़ को लेकर आता है, वास्तविक चीज़ को नहीं लेकर आता। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, और उसको क्या है, हम प्रमाणित भी नहीं कर सकते एक्चुअल डाटा से, ठीक है। आप ये कह रहे हो, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल से ही आपको बताती हूँ, आपने बोला कि आपके पास 1,000 रुपये हैं, ठीक है, आपने देखा पर्स खोला, जाके उसमें से 1,000 रुपये निकले, लेकिन आप बोल रहे हो कि काश मेरे पास 5,000 रुपये होने चाहिए, ठीक है, चाहिए बोल रहे हो आप, लेकिन आपके पर्स में ओनली 1,000 है, तो क्या है वो, आपकी क्या है कल्पना है, आप चाहते हो वैसा हो, चाहिए बोल रहे हो ना आप उसको, तो वो कौन सी होगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमिक्स में कहाँ काम आती है, ये हमें ये बताती है कि हम ऐसा कर कर ये पॉलिसी बनाकर हम ये कर लेंगे, ठीक है।
ये हमें आइडिया दे देती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये था कि जो हमारे देश की आय है वो क्या है, असमान है, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि हमारी आय असमान है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के रूप में हमने पढ़ लिया, लेकिन अब उसको असमान है तो उसको समान कैसे करेंगे, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है, तो वो कौन कौन सी नीतियाँ बनानी चाहिए, तो वो हमें कहाँ पता चलेगी, वो हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पता चलेगी ना। पॉजिटिव में हम फैक्ट पढ़ेंगे, नॉर्मेटिव में हम क्या देखेंगे कि हमारे क्या ओपिनियन है, हमें क्या कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मेटिव में हमारे जस्ट ओपिनियन आ जाते हैं, इसमें हम एक्चुअल डाटा नहीं रखते और इसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्रकार की हमारी कल्पना होती है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। अभी वही मैंने पीछे आपको बताया कि हमारे देश में क्या है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव में बताया, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या है, इसमें अंदर क्या दिया कि उसी चीज़ को सोल्व करने के लिए हम इसमें ये सोचते हैं कि हम वो कैसे, कौन कौन से स्टेप उठाएं, कौन कौन से कदम उठाएं, ताकि जो हम वो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की, उनको क्या कर सके, ठीक कर सके। दूसरा है इनकम इनक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस, वही चीज़ है, आय की असमानता है उसको भी कम करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप यही लगा लो कि माइक्रो थी, मैक्रो थी, ठीक है, नॉर्मेटिव थी, पॉजिटिव थी, चार है ना अपनी, ठीक है, कितनी है अपनी, चार, चार शाखाएं हैं लगभग मेन मेन थे, ठीक है। माइक्रो, माइक्रो में आपने क्या पढ़ा कि हम क्या करेंगे, छोटे लेवल पर भी, हम छोटे लेवल पर भी इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे ग्राउंड लेवल पर भी जो इकोनॉमिक्स चल रही होती है उसको भी पढ़ेंगे। मैक्रो लेवल हमें क्या बताती है कि हम ओवरऑल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे, ठीक है, सारी की सारी इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे। उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्लूड कर लेते हैं, विदेशी मुद्रा भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थी अपनी पॉजिटिव, पॉजिटिव में हमने क्या देखा, पॉजिटिव में हमने देखा वास्तविक डाटा देखा, हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, वास्तविक डाटा देखते हैं कि हमारे देश में क्या चीज़ है क्या नहीं है, या वास्तविकता में क्या चीज़ उत्पन्न हो रही है या है, ठीक है वर्ड आ जाए ना भी ऐसा है, तो वो आ गया हमारा पॉजिटिव। और फिर आई आ गया अपनी नॉर्मेटिव, चौथी आई अपनी है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव में हमने क्या देखा कि जो हमारे वास्तविक डाटा ने हमें बताया कि हमारे देश में ऐसी चीज़ है, तो हम नॉर्मेटिव में उस चीज़ को सही करने के लिए क्या करते हैं, अपने उधा अपने सॉरी आइडिया देते हैं, अपने विचार देते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं कि ऐसा हो, इस चीज़ को ठीक करने के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों की चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रो के बिना भी नहीं हमारी इकोनॉमिक्स पूरी है, मैक्रो के बिना भी नहीं है, पॉजिटिव के बिना भी नहीं है, नॉर्मेटिव के बिना भी नहीं है, क्योंकि इन चारों की अपनी अपनी अलग अलग क्या है, खूबियाँ हैं, ये अपनी अपने लेवल पर काम करती है हमारे और हमारे इकोनॉमिक्स के या हमारी अर्थव्यवस्था को समझने में, स्टडी करने में नई नई टेक्निक्स हमारे सामने लेकर आती है, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, जो सरकार है वो आगे जाके, अब देखो पॉजिटिव में आपने देख लिया कि हमारी क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, कृषि विभाग में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, वो इतना ग्रोथ नहीं कर रहा है, ठीक है, इतना नहीं बढ़ रहा। तो हम उसी तरह नॉर्मेटिव में हम क्या करेंगे, सरकार जब बजट बनाएगी, वो मीटिंग रखेगी, तो वे सोचेगी ना कि हमें ये स्टेप उठाने चाहिए ताकि हम उस चीज़ को सॉल्व कर सके, तो वहाँ पर नॉर्मेटिव में काम आई ना। तो इसी तरह पे ये चारों की चारों अपने अपने लेवल पर इकोनॉमिक्स हमारी अर्थव्यवस्था में काम आती हैं, अध्ययन करने में, हमें समझने में, और सरकार को नई नई टेक्निक्स बताने में, सर नया नया एनालाइज करने में, ठीक है। हम ऐसे तो एनालाइज कर नहीं सकते, लेकिन इकोनॉमिक्स की जो टेक्निक्स हैं, रूल्स हैं, नेशनल इनकम है, जैसे हम निकाल कर हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे देश में कितनी आय है, ठीक है। सो ये चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड MCQ कौन से आ सकते हैं, MCQ आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि ये दो लगा लो, इसमें आपको पूछ लिया कि इन दोनों में से नॉर्मेटिव कौन सी है, आपको ये बोल दिया इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, या इनकम इनक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, आपको क्या है, दो आपको लगेगी, दोनों लगेगी कि दोनों में क्या है, ओपिनियन है ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे MCQs भी आ सकते हैं, माइक्रो माइक्रो के कर लेकिन मैंने आपको कराए थे कि माइक्रो प्राइस थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, मूल्य का निर्धारण किया जाता है कंज्यूमर द्वारा, उपभोग द्वारा, ठीक है। और मैक्रो में क्या था, उसमें क्या था, थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थी, क्योंकि हम इसमें पूरी ओवरऑल इकोनॉमी, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक है।
लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट है अपना टॉपिक, आगे आ जाती है अपनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अब हमारी अर्थव्यवस्था है तो उसके कुछ प्रकार भी होंगे ना, अब हर जगह एक जैसी अर्थव्यवस्था तो नहीं होगी, ठीक है। तो अपना पहला टाइप है सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी। क्या है? सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? कंट्रोल इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और जो अपनी दूसरी है वो है अपनी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी बाजारी अर्थव्यवस्था, इसको हम क्या बोल देते हैं? फ्री इकोनॉमी बोल सकते हैं, ये फ्री होती है ना। आगे है तीसरी अपनी मिक्स इकोनॉमी। तीसरी है अपनी मिक्स इकोनॉमी, इसको बोलते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये चार प्रकार की अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग हर देश में अलग अलग अपने प्रकार की होती है, जो उनके लिए सही होती है वो वही वही अर्थव्यवस्था बनाते हैं, ठीक है। अब ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था, इन तीनों के अलग अलग महत्व होंगे, अलग अलग फीचर होंगे, अलग अलग विशेषताएं होंगी, ठीक है। तो वो हम जानते हैं अपने सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी अपनी क्या आ जाएगी? केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक है। थीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय सत्ता। अब ये वो वाली इकोनॉमी होती है जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको कल ही समझाया है, इसी वजह से मैंने बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। मेन है अपनी तीन, प्रोडक्शन की, कंजप्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की, PCD। ये तीन अपनी क्या है? मेन है, मेन गतिविधियां हैं, ठीक है। अब इनको अगर कंट्रोल किया जाए, ठीक है, इनके ऊपर कंट्रोल हो सरकार का, सरकार ही डिसाइड करे कि प्रोड्यूसर क्या बनाएगा, सरकार ही डिसाइड करे कंज्यूमर क्या खरीदेगा, सरकार ही डिसाइड करे, सरकार ही निर्णय ले कि डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कैसे होगा, ठीक है। वितरण के अंदर जो लोग हैं वो सरकार के हिसाब से चले, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर रहेंगी? वो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के अंदर रहेगी, जिसके अंदर सब कुछ सरकार के हिसाब से होगा। जो हमारा कंज्यूमर है उसके अंदर क्या है? वो इतना मायने नहीं रखता, ठीक है। कंज्यूमर को क्या है? इतनी महत्वता नहीं दी जाती, ठीक है। उसके अंदर सरकार ही अपना निर्णय लेती है, सरकार ही ये देखती है कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अथॉरिटी मोस्ट रिसोर्सेज एंड वट टू प्रोड्यूस इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अब मैंने बोला ना कि सरकार ही स्रोतों पर कंट्रोल रखेगी, एंड वट टू प्रोड्यूस इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। और क्या प्रोड्यूस करना है, क्या उत्पादन करना है, किस चीज़ का करना है, तो वो किसके द्वारा होगा? सरकार के द्वारा होगा, गवर्नमेंट के द्वारा होगा। PCD तीनों का, प्रोडक्शन क्या करनी है उसके ऊपर भी सरकार का कंट्रोल हो, कंजप्शन क्या करना है उसके ऊपर भी सरकार का कंट्रोल हो, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वितरण करना है उसके ऊपर भी क्या हो, सरकार का कंट्रोल हो, तो वो क्या होगी? केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। तो ये कई देशों में है, जैसे कि रशिया में, ठीक है। रशिया और नॉर्थ कोरिया ऐसे जगह है जहाँ पर क्या है, सरकार के कंट्रोल में आती है ये सारी चीज़ें, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियाँ सरकार के अंडर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है अपनी नेक्स्ट मार्केट इकोनॉमी, और इसको हमने क्या बोला था? फ्री इकोनॉमी बोला था, ठीक है, बाजारी अर्थव्यवस्था। थीज आर द इकोनॉमीज वेहर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेस। अब देखो, ये वो इकोनॉमी होती है, वो अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर हमारी जो आर्थिक गतिविधियां होती है वो क्या करी जाती है? कंट्रोल की जाती है। किसके द्वारा? मार्केट फोर्सेस के द्वारा। पिछले में हमने देखा कि वो सरकार द्वारा कंट्रोल की जाएगी, इसमें हमने देखा कि वो मार्केट फोर्सेस द्वारा की जाएगी। अब आप मार्केट फोर्सेस कौन सी होंगी? दो मार्केट फोर्सेस होते हैं अपने, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ये दो मेन मार्केट फोर्स होते हैं, बाजारी ताकतें होती हैं डिमांड एंड सप्लाई की, जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। वो कैसे? अब पिछली बार में हमने देखा कि प्रोडक्शन उसी चीज़ का होगा जो सरकार चाहेगी, लेकिन इसमें क्या है? प्रोडक्शन उसी चीज़ का होगा जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है।
दूसरा क्या था, कंज्यूमर। कंज्यूमर इसके अंदर क्या था, महत्वपूर्ण था। क्यों, कंज्यूमर ही तो डिमांड करता है, कंज्यूमर ही तो देखेगा मुझे ये चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या है, प्रोड्यूसर चीज़ बनाएगा, ठीक है, और उसे बनाएगा, वही चीज़ बनाएगा और वही क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो सप्लाई पर भी हो गया ना कि प्रोड्यूसर कैसे सप्लाई करता है। जब हमारी डिमांड आई, ठीक है, डिमांड आई और इधर से सप्लाई गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इक्विलिब्रियम सेट हो गया, ठीक है। ये आगे आपको थ्योरी ऑफ डिमांड में मैं करवाऊंगी, बस अभी थोड़ा सा समझा रही हूँ, ठीक है। भी लास्ट जो हमारा सेंट्रल प्लान था उसमें तो सरकार मूल्य निर्धारित करती थी चीज़ों का, लेकिन इसमें कैसे होगा, ठीक है, इसमें कैसे होगा, लगा लो ये हमारी, मैं तुम्हें कर्व से बता रही हूँ, ठीक है। जो हमारी डिमांड है ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे, सॉरी, जो अपनी डिमांड है ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, घटती है। ये क्या है, क्वांटिटी है, इस साइड अपनी क्वांटिटी है, इस साइड अपनी क्या है, डिमांड है एंड सप्लाई है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड गिरती है, नीचे आती है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई क्या है, बढ़ती है। कारण, पैसा बढ़ा तो कंज्यूमर क्या जाए, क्या सोचेगा कि नहीं यार ये तो महंगे है मुझे नहीं खरीदनी, तो वो कम करेगा। लेकिन सप्लायर क्या सोचेगा, यार महंगी है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ। तो उसने क्या करा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम खरीदने की कोशिश करी, इसने क्या है वो करा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, प्राइस बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है, मैं कमा लूँ, प्रॉफिट कमा लूँ। तो यहाँ पर आके जो सेट हो गया वो हमारा प्राइस क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, जिसके ऊपर हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड के बराबर हो जाती है। मतलब जितने लोग डिमांड कर रहे हैं उतने लोगों को सप्लाई हो रही है, और जितनी हमारी सप्लाई है उतने लोग डिमांड कर रहे हैं, ये चीज़ हो जाती है। तो ये वाला जो हमारा प्राइस है ये सेट हो जाएगा कि हमारा प्राइस ये है। आगे आपको बात समझ कि मार्केट में कैसे चीज़ें कर, कैसे चीज़ें काम करती है, ठीक है। आप कई चीज़ों का लगा लो, आप बोलते हो ना कि जैसे बाजार में जो रेट चल रहा है ना वही देंगे, तो ये वही रेट होता है कि भी लोग जिस पर सहमत हो जाएं, सप्लाई करने वाले भी सहमत हो जाएं, डिमांड करने वाले भी सहमत हो जाएं। यहाँ पर अगर हमारा क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाए, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाए, ठीक है, ये तो वो वाला प्राइस, वो वाली कीमत यहाँ पर सेट हो जाती है। मोस्ट रिसोर्सेज एंड प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स इज इन दी हैंड ऑफ कंज्यूमर। यही चीज़ मैंने आपको बताई है, जितने के जितने स्रोत है, और जो हमारा प्राइस डिटरमाइन करना है, प्राइस का निर्धारण करना अभी देखा है ना मैंने कैसे होगा, ठीक है, तो किसके हाथ में होता है, कंज्यूमर के हाथ में होता है। तो ये कौन कौन सी जगह है, दो जगह है ऐसा है, जहाँ एक है USA, एक है UK, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये दो ऐसे हमारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर क्या है, फ्री है, फ्री इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, कि वो सब कुछ मार्केट के हिसाब पर छोड़ देते हैं, रिसोर्सेज भी, प्रोडक्शन की तीनों एक्टिविटीयां, PCD, तीनों की तीनों एक्टिविटीयां मार्केट पर डिपेंड करती हैं, सरकार का या सेंट्रल अथॉरिटी का उस पर कोई रोल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी कैसे, अब देखो, अब आपने दो पढ़ी है, प्रोड्यूस सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, और एक पढ़ी है आपने फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, बाजारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो अब ये तीसरी है मिक्स, तो आप नाम से लगा लो कि ये क्या होगी, मिक्स सी होगी। इसके अंदर क्या होगा, दोनों काम करेंगी, सेंट्रल अथॉरिटी भी करेगी, ठीक है, केंद्रीय सत्ता भी काम करेगी, और इसमें क्या है, मार्केट के फोर्सेज हैं जो दो, ठीक है, वो भी काम करेंगे। देखते हैं कैसे। These are the economies where the economic activities are governed by the free play of market forces. ये वो इकोनॉमी है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आर गवर्न, चलाई जाती है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस की, फ्री प्ले होती है उनकी, बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनको विनियमित किया जाता है सरकार के द्वारा। अब ये बात आपको समझ थोड़ी सी समझ नहीं आई होगी कि चलेगी तो उनके हिसाब से, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, लेकिन उनको क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेट का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ रही है तो भी सरकार रोकेगी, और हद से ज़्यादा गिर रही है तो भी सरकार रोकेगी, ठीक है। सेंट्रली प्लान में सारी की सारी सरकार के हाथ में थी, मार्केट वाले में सारी की सारी बाजार के हाथ हाथ में थी, चाहे जितनी मर्जी बढ़े जितनी मर्जी घटे, सरकार कोई रोल नहीं लेके, कोई रोल प्ले नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ठीक है, आप मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्राइस को निर्धारण कर लो, लेकिन लेकिन अगर प्राइस हद से ज़्यादा क्या हो जाता है,
हद से ज़्यादा हमारा जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, हद से ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है, तो वहाँ पर क्या है, महंगाई का समय आ जाएगा, तो सरकार क्या करेगी, ठीक है, हद से ज़्यादा प्राइस बढ़ गया तो सरकार क्या सोचेगी, इसको क्या करा जाए, विनियमित किया जाए, रेगुलेट किया जाए, तो सरकार बीच में थोड़े सी अपनी स्टेप्स लेकर आएगी, थोड़ी सी अपनी नीतियाँ लेकर आएगी, जिसकी वजह से वो क्या है, मार्केट जो दो फोर्सेज हैं वो थोड़े से कम रोल प्ले करेंगे और हमारा जो प्राइस है वो सही लेवल पर रहेगा, ना तो ज़्यादा बढ़ेगा ना तो ज़्यादा घटेगा, ठीक है। सरकार सर्विस में रेगुलेट करेगी, पहले उनको अपने हिसाब से चलने देगी फ्री मार्केट फोर्सेस को, ठीक है, बाजारी ताकतों को, लेकिन जब उन सरकार को लगेगा कि ये हद से ज़्यादा बढ़ रही है या हद से ज़्यादा घट रही है, तो उस समय पर जाकर सरकार क्या करेगी, अपने नई नीतियाँ लेकर आएगी, ठीक है, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करेगी ताकि नुकसान भी ना हो, ठीक है। रिसोर्सेज आर कंट्रोल बोथ बाय गवर्नमेंट एंड पीपल, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं जो जो किसके साथ, दोनों के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, सरकार के द्वारा भी किए जाते हैं और लोगों के द्वारा भी किए जाते हैं, आम जनता के द्वारा भी किए जाते हैं, कंज्यूमर के द्वारा भी किए जाते हैं, ठीक है। बट प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट एंड बट रेगुलेट्स इट, ठीक है, लेकिन जो प्राइस है ना, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट, जो प्राइस है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है, निश्चित किया जाता है, मार्केट के द्वारा किया जाता है, बट गवर्नमेंट रेगुलेटेड, लेकिन जो सरकार है उसको रेगुलेट करती है कि प्राइस तो किसके हिसाब से, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिटरमाइन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, लेकिन वो हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हद से ज़्यादा कम हो रहे हैं, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, आर्थिक लेवल पर कुछ दिक्कतें हैं, तो सरकार उसको अपनी एंट्री करेगी उस चीज़ के अंदर और उसको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, विनियमित करेगी, ठीक है। तो ये कौन सी है, अपनी इंडियन इकोनॉमी ऐसी ही है ना, जिसके अंदर सरकार क्या करती है, हम अपने बाजार के हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन जब वो महंगाई आ जाती है या फिर मंदी आ जाती है तो सरकार कुछ स्टेप्स उठाती है ना, जिससे क्या है, महंगाई ठीक करने के चांसेस बढ़ते हैं, भी महंगाई थोड़ी ठीक हो जाती है और जो मंदी है वो भी थोड़ी ठीक होती है, तो सरकार वहाँ पर आकर क्या करती है, रेगुलेट ही करती है, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये तीनों प्रकार टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के समझ आ गए होंगे, ठीक है। जो है सेंट्रली प्लान, जिसको हम कंट्रोल इकोनॉमी बोल देते हैं, ठीक है, और हिंदी में उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय सत्ता से नियोजित, ठीक है। दूसरा क्या है, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, बाजारी अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित है, मिक्स इकोनॉमी है, जिसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही तीन चीज़ें काम करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइस और रिसोर्सेज। सेंट्रल प्लान में इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट के हाथ में होती है, प्राइसेस भी उसके हाथ में होते हैं, सरकार के हाथ में होते हैं, रिसोर्सेज भी सरकार के हाथ में होते हैं। फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सरकार के हाथ में होती है, ना प्राइसेस डिटरमिनेशन होता है, और ना ही होता है रिसोर्सेज, वो सारा का सारा लोगों के हाथ में होता है, मार्केट के हाथ में होता है, ठीक है। और तीसरी क्या है, मिक्स, जिसके अंदर क्या आते हैं, रिसोर्सेज को दोनों के दोनों लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, प्राइस को भी डिटरमाइन फ्री मार्केट फोर्सेस करते हैं, लेकिन उनको रेगुलेट किया जाता है सरकार के द्वारा, और हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित ही अर्थव्यवस्था है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे आपको, ठीक है, धीरे धीरे हम जो सिलेबस वाइज जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करते जाएंगे, सो ठीक है। और आपको जो इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो इसका आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, और MCQ वगैरह आपको हमारी शिक्षा ऐप पर मिल जाएंगे, और हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं दोनों चीज़ों के, नोट्स के लिए भी और MCQs के लिए भी, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर उसको ज्वाइन कर लें नोट्स पाने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर कर दें, ठीक है, ताकि आगे की वीडियो कंटिन्यूटी में रहे, क्योंकि शेयर करोगे, कॉन्फिडेंस व्यूज़ वगैरह आएंगे तो ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।